मुझे ऐसा लग रहा है कि दो दिनों से मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। पाकिस्तान के बारे में कोई गलत बात ही नहीं लिख रहा। इंटरनेशनल मीडिया में बहुत पॉजिटिव पाकिस्तान को दिखाया जा रहा है। पाकिस्तान 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 हो रहा है इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया में, और इस वक्त पाकिस्तान में जो हो रहा है उसके बारे में कोई नेगेटिव बात भी नहीं कर सकता। क्या करें, मजबूरी है, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है। अगर उस प्रोटोकॉल को तोड़ा तो बहुत मुश्किल होगा। तो इस वजह से बहुत से लोग कहते हैं हम किसी तरीके से पाकिस्तान की बैंड बजानी है हमने। ये 5 दिन का दौरा जो कि प्रिंस विलियम और केट मिडलटन का दौरा पाकिस्तान है वो ख़त्म हो, फिर उसके बाद हमने उनको दबड़दूस करना है। चारों तरफ से हमले होंगे, ताबड़तोड़ हमले होंगे, आई एम रेडी फॉर दैट। लेकिन हमें ये 5 दिन अच्छे से गुजारने दो। ऐसी पॉजिटिविटी बहुत दिनों के बाद आई है पाकिस्तान में, बहुत दिनों के बाद। 5 दिन, बस 5 दिन, फिर उसके बाद जो तुम करोगे उसका जवाब भी दे देंगे हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रिंस विलियम और केट मिडलटन जब पाकिस्तान आना चाह रहे थे उनको बहुत रोका गया, उनको सिक्योरिटी कंसर्न्स के थ्रेट्स दिए गए, उनको ये बताया गया कि पाकिस्तान में अगर आप जाओगे तो ये हालात हैं, FATF में वो ग्रे लिस्ट पर है, ब्लैक लिस्ट में जाने वाला है, वहाँ हॉस्पिटैलिटी ज़ीरो है, टेररिस्ट कंट्री है, टेररिस्ट हर स्ट्रीट पर हर जगह घूमते हैं, इस तरह की बातें की जा रही थी इंटरनेशनल मीडिया की तरफ से ही। तो उनको बहुत रोका गया। तो इमरान खान के कॉन्फिडेंस पे वो लोग यहाँ पर आए। उसकी मेन वजह यही है कि इमरान खान के बहुत अच्छे रिलेशनशिप हैं रॉयल फैमिली से, क्योंकि जब इमरान खान की फर्स्ट शादी हुई थी जमायमा से, जमायमा लेडी डायाना की बहुत क्लोज फ्रेंड थी, तो उसकी वजह से उनके रिलेशनशिप्स बहुत क्लोज हैं। तो फुल कॉन्फिडेंस मिला और रॉयल जोड़ा पाकिस्तान आया। अब आप देखो पाकिस्तान में लोग जीन्स और हाफ टी शर्ट और क्लीविज दिखा के नंगे पुंगे घूम रहे हैं, लेकिन केट मिडलटन फुल लिबास पहन कर आए हैं पाकिस्तान का। अपना जो विज़िट उन्होंने स्टार्ट किया पाकिस्तानी लिबास पहन के किया, ग्रीन शर्ट और वाइट ट्राउज़र के साथ। इमरान खान से मुलाकात हुई, प्रेसिडेंट अलवी से मुलाकात हुई, फिर उसके बाद वो लोग स्कूल गए। प्रिंस विलियम ने वहाँ पर बच्चों से बात की और बच्चों ने उनकी आँखों में आंसू दिला दिए सिर्फ एक बात करके कि वहाँ पर एक किसी स्टूडेंट ने कहा कि आपकी जो वालिदा हैं यानी कि लेडी डायना हमारी फेवरेट हैं और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लेडीज़ ऑन द प्लेनेट और उस जैसी कोई नहीं है। तो ये बात सुनकर प्रिंस विलियम्स की आंखों में भी आंसू आ गए और उन्होंने बोला कि आई एम द फैन ऑफ माई मदर इज़ वेल। तो रॉयल जोड़े का मेन एजेंडा सिर्फ यही है कि गर्ल्स एजुकेशन पर ज़ोर और क्लाइमेट चेंज के बारे में लोगों को बताना। क्लाइमेट चेंज इज़ अ बिग इशू, पूरी दुनिया में इसके ऊपर बातें की जा रही हैं, सेलिब्रिटी से लेके पॉलिटिशियन से लेके ब्यूरोक्रेट्स और हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है। इट्स अ बिग इशू, इस पर बात होगी। यहाँ पर जब वो रहेंगे तो बहुत से ऑफिशियल से मुलाकात होगी, आर्टिस्ट से मुलाकात होगी, फिल्मी सितारों से मुलाकातें होंगी, गाने सुने जाएंगे, महफिलें जमाए जाएंगे, तो उनको एक प्रॉपर फ्लेवर दिया जाएगा पाकिस्तान का और एक्चुअली वो पूरे पाकिस्तान का विजिट करेंगे। सबसे ज़्यादा इस वक्त जो कुछ हाईलाइट हो रहा है उसमें केट मिडलटन का स्टाइल है, उनको एकदम कंपेयर किया जा रहा है लेडी डायना के साथ, क्योंकि जब लेडी डायना 1997 में आई थी उन्होंने भी इसी तरह का एक पैटर्न रखा था, पाकिस्तानी लिबास पहने थे और वो पाकिस्तानी ज्वेलरी भी उन्होंने पहनी थी। और इस वक्त जो केट मिडलटन ने पाकिस्तानी डिज़ाइनर्स के कपड़े पहने हुए क्वाइट चीप हैं, स्पेशली जो उनके टॉप्स हैं, ये ज्वेलरी है, उनकी कीमत 835 रुपये है, सिर्फ 835। और जो उन्होंने शूज़ पहने हैं या सैंडल्स पहने हैं वो अगर आप कंपेयर करो तो UK में 10 पाउंड से ज़्यादा नहीं है वैल्यू। तो आप देखो रॉयल फैमिली और ऐसे चीप क्लोथ पहन रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि भाई पॉश 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 पॉश। ओवरऑल उनका विज़िट अभी तक बहुत ज़बरदस्त जा रहा है पाकिस्तान में, उनको बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया है। इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं दुनिया में हर तरफ से, क्योंकि किसी भी तरह पाकिस्तान को FATF की ब्लैक लिस्ट में डाला जाए इसके ऊपर बहुत काम हो रहा है, बहुत मेहनत हो रही है। लेकिन थैंक यू
अल्लाह के हम लोग इस वक्त बचे हुए हैं, अभी ग्रे लिस्ट में ही रहेंगे, और फरवरी में ऐसा लग रहा है कि हम ग्रे लिस्ट से बाहर निकल के वाइट लिस्ट में वापस आ जाएंगे। एंड आपका 100% बिलीव ऑन दिस, क्योंकि बहुत काम हो रहा है पाकिस्तान की बेटरमेंट के लिए। पाकिस्तान की जो एक पिक्चर दुनिया के सामने लाई जा रही है एक पॉजिटिविटी की, बहुत ज़बरदस्त है। और ये जो रॉयल जोड़ा आया है इसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और ये लोग वर्ड ऑफ माउथ के ज़रिए बताएंगे कि हमने पाकिस्तान विज़िट किया है, वहाँ पर ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है और बहुत अच्छी कंट्री है, टूरिज़्म के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि पाकिस्तान ब्यूटीफुल कंट्री इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री। जो उनके जो हिल एरियाज़ हैं, जो सीनरीज हैं, स्पेशली बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा के एरिए, एबटाबाद, चित्राल, नारान, कागान, इस्लामाबाद, मरी, ब्यूटीफुल प्लेसेस, लाहौर ज़बरदस्त, हड़प्पा ज़बरदस्त हेरिटेज के लिए, तो इट्स अमेजिंग अमेजिंग कंट्री। बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं इस विज़िट के बाद पाकिस्तान में टूरिज़्म जो है वो बढ़ेगा और एक पॉजिटिव इमेज पाकिस्तान की लोगों के सामने जाएगी। एंड आई होप कि इस वक्त जो पाकिस्तान की तरफ से पॉजिटिविटी आ रही है वो ऐसे ही रहेगी। टेररिज्म की बात की जाती है, पाकिस्तान बहुत काम कर रहा है टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए, बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें पाकिस्तान ने बहुत सारे ऐसे मिशंस किए जिससे टेररिस्ट का खात्मा हुआ। अभी भी बहुत करना है, बहुत काम करना है, कर रहे हैं, लेकिन चक्की भी तो चलानी है, अपना फाइनेंस भी तो ठीक करना है। हमारी इस वक्त जो फाइनेंस की हालत है वो बिल्कुल ही डाउन है, GDP तो बिल्कुल ही लो है। तो इन सब चीज़ों के लिए टूरिज़्म, एजुकेशन, बिज़नेस लाना, इन्वेस्टमेंट लेकर आना, ये सब चीज़ें इसी पॉजिटिव एक्सपेक्ट की वजह से आगे बढ़ सकती हैं। तो हमें बहुत फ़ायदा होगा इस विज़िट के ज़रिए, और वी आर वेरी थैंकफुल टू द रॉयल जोड़ा कि वो आए पाकिस्तान, और उसकी वजह से पाकिस्तान के बारे में लोगों को एक पॉजिटिव मैसेज जा रहा है। इंटरनेशनल मीडिया फर्स्ट टाइम पाकिस्तान के बारे में अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, वाह वाह वाह, क्या ये बात है यार। That's it guys, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड एंड फैमिलीज के साथ, और अगले वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। स्टे सेफ, खुश रहें, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड बाय।